हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ बहुत ही लजीज सी रेसिपी जिसका नाम है ओरियो मिल्क शेक। तो यहाँ पे हम 5 बिस्किट लिए हैं जिसे तोड़ के हम जार में डाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये मिल्क शेक बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2 टीस्पून शुगर डाल रहे हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा शुगर सिरप डालेंगे, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप यहाँ पे कोको पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम 500 ग्राम दूध ऐड कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वनीला आइसक्रीम डाल रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे इसमें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एकदम ठंडा दूध यूज़ किया है फ्रिज से निकाल के, आप चाहें तो यहाँ पे आइस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिल्क शेक को हम 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। सर्व करने से पहले हम चॉकलेट सिरप से इसे अच्छे से हम गार्निशिंग कर लेंगे, उसके बाद से अपने मिल्क शेक को इसमें डाल लेंगे ताकि और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लास को रेडी कर लिया है, अब इसमें अपने मिल्क शेक को हम डाल देंगे। देखिए, तो ये हमारी झागदार मिल्क शेक बन के रेडी है, ओरियो मिल्क शेक। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ऐसे ही हम अपने किटकैट मिल्क शेक को बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं तोड़ के डाल देंगे, ये 20 रुपये वाला पैक है। यहाँ पे हम फिर से 2 टीस्पून हम शुगर डाल देंगे और यहाँ पे 500 ग्राम दूध ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बटर स्कॉच आइसक्रीम लिया है, आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम यहाँ पे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और फिर से हम इसे सर्व कर देंगे अपने ग्लास में। ग्लास को मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था, अब इसमें हम ऊपर से 1 बड़े चम्मच आइसक्रीम डाल देंगे, ये बटर स्कॉच आइसक्रीम है, और ऊपर से हम चॉकलेट सिरप से इसे गार्निशिंग कर देंगे। आपको जैसा चाहें वैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी है मेरी वीडियो आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक ओरियो 2 बिस्किट मैंने बचा लिया था, उसको हम मिल्क शेक को अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक किटकैट भी लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।